क्या बोले ये बच्चे को मार दो बोले जोर से बोल क्या बोले ऐसा बोले थे कब मारो बोले थे अम्मास में पुन्नम में जोर से पुन्नम में मार दो बोले ऐसा मारो बोले एक्सीडेंट करके मारो बोले बीमारी बदल के मारो बोले सोते नींद में मार देने का था। अच्छा इनको बेटे क्यों नहीं उधर थे कितने बच्चे हैं हाँ बेटे नहीं उधर थे हाँ वो भी जादू कर रहे थे और क्या बोले थे तुझे और क्या बोले थे और कुछ नहीं बोले लड़ाई वाला क्या बोले औरत मर्द ने जोर से बोल और क्या बोले थे दोनों गरीब ले रहना दूर यार बना देना दोनों में। शमशान से कब्रस्तान से मरिया जी और कितनी है मरियाला त्रिशु क्या कर रहा हमारे साथ उनकी ले जाने वाला था जोर से बोल क्या कर रहा था अच्छा और क्या बीमारी लगा रहा था तू इसको और क्या बीमारी लगा क्या लगा रहा था क्या सिर में तो पर जो इसके आंग में डाली तो वो दाली के दादा कौन था वो आदमी था औरत था कौन था इसके माँ के खानदान की थी या ससुराल की थी ससुराल की है जादू करते टाइम पे ये बच्ची का क्या लेकर क्या नाम उसका आप फिर का क्या लेकर थे जादू करते वक्त क्या लेकर थे क्या लिए थे नहीं बोलना तो अभी काट दूंगा नहीं नहीं छोड़ देने कपड़ा बाल मट्टी क्या लिए थे क्या लिए थे जल्दी बोलना पूरा जला दूंगा अल्लाहुम्मा बच्ची को कितने साल से तकलीफ दे रहा था तू अपनी को बहुत देर से कितने साल कितने साल कितने साल जल्दी मैं दोनों हाथ काट दूंगा तेरे उठे हाथ नहीं नहीं कितने साल से तकलीफ दे रहा था उसको 12 साल से अच्छा अब मारने का कब था अम्मास में पुन्नम में फाइनल पुन्नम में मार देने का था कैसा बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके कैसा बीमारी डाल के मारने वाला था बाप का तेरे रात चल रहा कमीने मारा तू मारने वाला बच्चों को भी मारा तू क्या कमाई से उड़ा देने का बरकत पूरी कर्जे में डुबा के खत्म करने का कर रहा हूँ नहीं पैसा तो नहीं है तुम्हारे कुछ कर रहा हूँ अच्छा जादू करी उसका नाम क्या है कैमरा नजदीक ला रहा हूँ नाम बोल रहा हूँ घुमा के लाना नजदीक
क्या बोल रहा हूँ, कौन है वो? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं खिलाए, क्यों खिलाए, क्या दुश्मनी थी, सब याद करके आएगा दूसरे चक्कर तक और मुझे बयान करेगा। और इन्हें नहीं याद करके आया तो उसको मार मार के खत्म करो साले को। कैमरा दे मेरे, ए कैमरा इधर से घूमती। ये जो मसला है उन्हें बयान कर रहा मैं, मेरे जबानी तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे जबानी बयान नहीं कर रहा हूँ, उसके जबानी पूछा मैंने कि वो बोल रहा है कि बीमारियां लगा दिया, पुन्नम का कुछ जिक्र करा उन्हें, जब उसको ताकत नहीं थी, उसको खत्म करने वाला है और मुद्दत तो करीब आके चले, बहुत करीब आ गया लिए, वो तब उन्हें मौका देख रहा, चले गई टाइम डेट जब डेट दिया थी तो उन्हें मौका देख के खींचने वाला है पुन्नम के अंदर कोई भी। और दूसरी बात कि घर में खैरों पर तोड़ा दिया, औरत मर्द में झगड़े लगा रहा था, साथ में नहीं रहूंगा बोल रहा, वो सब बातें क्या है उन्होंने तो बयान कर दिया उसके अंदर। और सिर्फ मैंने नाम अभी नहीं पूछाया, नाम उससे आगे लेंगे दूसरे चक्कर में, उसको जला देंगे अगर नाम नहीं बोला तो, उसके हथा वाला काट के। और दूसरी बात के ये जो मसला चल रहा है, ये जो दास्तान है, ये खुद को खुद लगे वाला नहीं है, उसमें उन्होंने बयान करा कि वो क्या करे थे, पान में ला के खिलाए, मायके वालों ने खिलाए, के ससुराल वालों ने खिलाए, वो आगे नाम निकलेगा, अभी तो कुछ जिक्र करा, पहले क्या बोला था, ससुराल बोला, मैं क्या बोला शुरू से, पहले ससुराल बोला, ससुराल, उसके बाद मैं का चालबाजी करने की हरकत कर रहा हूँ, उसको अगली बार में सही तरीके से जब नाम बोलेगा फिर पता चलेगा कि वो लोग है किधर के रियल में। और दूसरी बात, ये लोग तो बीमारी समझ रहे थे, बीमारी समझ के लेकर फिर रहे थे दवा खाने, दवा को लिया करे, इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ घर पे, दो बार हुआ, एक बार फर्स्ट टाइम हुआ था, बोले मैं इसको पसंद करता, बोले वो करता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, बोले इतना आसान नहीं है, बोले छोड़ और घर में धन है, बोले धन पे गए संडास पे गए। तकलीफ क्या दे रहा था, तकलीफ वाला जी गलावटपन था, बीमारी, हाथा पैरा दुखना, रात को बेचैन होना, पैरा दुखना, दवा खाने तो कर रहे थे, दवा खाने 3-4 साल से किया, और एक मैं सो जाती थी तो ऐसा उठते नहीं थे, हिलाना पड़ता था पानी बीमार के साथ, अच्छा अच्छा पूरा ऐसा जान लेने की कोशिश, वो गला गला के मार रहा था। और दूसरी बात क्या बोलते, तो मार के साथ में ले जाके शादी करके रहूंगा बोल रहा, वो यानी कि खबीस वाला पकड़े लिए, इंसानों की नस्ल से बदरू नहीं है वो, मेरा जहाँ तक तजुर्बा हुआ जो बोला उस हिसाब से, वो खबीस पिशाच हूँगा, वो खबीस पिशाच को उठा के ला के छोड़ रहा था और वो खून पीता, और लास्ट में मार के साथ में ले जाके वो जो भी एक्स वाई जेड बीवी बना के बोला भी ना उन्हें,
तो उसके बाद तो जो भी है तुम्हारे सामने है रिकॉर्डिंग में सब बयान करा हूँ मैंने, मैं तो मेरे जबानी कुछ नहीं बता रहा, मैं मेरे जबानी अगर बोलूंगा तो वो फिर अंधश्रद्धा के बताऊ रहे, तुम्हारे जबानी पकड़ के पूछूंगा तो उसको पावर टेशन बोलते, बिटवीन द डिफरेंसेस पावर टेशन एंड ब्लैक मैजिक, अगर मैं मेरे मुंह से बोलूंगा तो वो अंधश्रद्धा में जाएगा, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता मेरे मुंह से, क्यों बोलूं मैं, मुझे अल्लाह ने ऐसी ताकत दिया मैं सामने ला के वक्त आने पे पूछाता हूँ, मैं अगर तुम्हारे दुश्मनों का नाम नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, सामने ला के नाम पूछाता हूँ, दूसरों के जैसे बंडलबाज है और बात नहीं करता अल्लाह के तुमसे जो भी, मगर वक्त आने पर तुम्हारे दिल में अगर लड़ने की नीयत नहीं रही तो मैं ला के पूछा देता, और दूसरी बात जिसका भी नाम निकला उसको सजा देने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं रहती, वो छोड़ दो सजा देने की ड्यूटी हमारी है, क्योंकि हमने जब नाम लाया उन्हें जादू करके दुनिया के अंदर मनमानिया कर रहा दुनिया के, उसके बाप की उसको बताते ना फिर हम सजा देके कैसा रहता सजा देने का तरीका, बहुत सारे बातें बहुत सारे राज है, और कोई किसी को जमाने के अंदर थप्पड़ बुक्की लाश से नहीं मार रहा, ना तलवार चाकू बंदूक से नहीं मार रहा, ये दौर में ये दौर के अंदर लोग क्या कर रहे जादू का सहारा ले रहे, सबसे खतरनाक मार सबसे गलीज मार सबसे भयानक मार जादू टोने की, क्योंकि जादू टोना अमल अमलियात ये ऐसी चीजें हैं तिलस्म की दुनिया कि तिलस्म से जब तुम पे वार चला दिया जाएगा तो तुम तड़प तड़प के वबाओं में बलाओं में कई किस्म के बीमारियों में मुबल्लिस होकर हलाक हो जाते, मगर समझ में नहीं आता क्योंकि इलाज वाले तो सब डुप्लीकेट बैठे वाले बहुत सारे नस्ली हरामा चोरा बदमाशा दीन और हदीस के अंदर फितने डाल रहे कमीने, फितनों से बचो मोमिनों, तुम अगर फितनों से अपने ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे तो आखिरत भेज दिए फिर तुमने आखिरत गम गई तुम्हारी बर्बाद हो गई फिर तुम जहन्नुम के हकदार बन जाएंगे, इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये फितना रंगेज दौर के अंदर ये जो फितने आ रहे हैं एक से इन सब फितनों से ये सब वबाओं से भी और ये बलाओं से भी महफूज रख, हमारे दीन की भी हिफाजत कर, जान की भी हिफाजत कर, माल की भी हिफाजत कर, हर चीज की हिफाजत कर अल्लाह, अल्लाह को हिफाजत की जिम्मेदारी दो, जब अल्लाह हिफाजत की ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तुम्हारे समंदर की राह दे देता, मकड़ी की चादर तान देता, गार पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गार में जो मकड़ी की चादर तानने लगा दिया था, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो मूसा कौम को समदरिया नील समंदर ने राह दे दी थी, तो ये अल्लाह के ऊपर अपने आप को सुपुर्द तुम सौंप देंगे हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत, और ऐसा नहीं कि अल्लाह मुसलमानों का चाहे अल्लाह हिंदुओं का नहीं काफिरों का नहीं दलितों का दूसरे जात वालों का नहीं क्रिश्चियनों का सबका मालिक है एक ही है वो, और उसको तुम अलग अलग नाम से पुकार रहे, और उन्होंने अपनी किताब जो अव्वल व आखिर किताब है कुरान वो बाद में फाइनली में भेज के दे दिया तुम्हारा फायदा हासिल करो बोल के अब कयामत तक कैसे, अब तुम कुरान में भेदभाव करेंगे बोलेंगे हम नहीं पढ़ते हम ये जात के हम वो जात के, फिर तुम्हारा फैज नहीं मिलेगा, सब पढ़ो हर जात वाला उसको पढ़ सकता हर जबान में है, तुम पढ़ेंगे तो फैज मिलेगा, पढ़ नहीं सकते तो सुनो गौर से सुबह के टाइम में तो तुमको फैज मिलेगा, दीन की भी दौलत से नवाज देगा दुनिया की भी और आखिरत की भी दौलत से तुम्हारा ईमान की भी नवाज देगा पढ़ने की बरकत से, और हर चीजों से वबाओं से तुमको महफूज रखेगा, तो इसलिए पढ़ो पढ़ेंगे तो तुमको फायदे जाहिर होंगे तुम्हारे ऊपर उनकी सब बलाओं से वबाओं से महफूज रहेंगे, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ अल्फाज है मगर मैं तुमको इन शॉर्ट में बयान करता क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, बाकी सब बातों का कंक्लूजन यही रहता कि मैं जो देख रहा हूँ प्रैक्टिकल में मैं जो देखा वो तुमने नहीं देखे और तुम जो देखे वो पूरी दुनिया देख रही, और मैं जो दुनिया को दिखा रहा हूँ वो बहुत ही लायू में ला के दिखा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मैं मेरे जबानी कोई बातें बयान नहीं कर रहा हूँ, ना तुम्हारा कोई किस्सा कोई कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी कोई अनगढ़ंत कहानी कोई अंधश्रद्धा की बात ऐसी कोई नहीं बता रहा मैं तुमको लायू में सामने प्रैक्टिस के अंदर सामने बता रहा हूँ जिसको पावर टेशन बोलते हैं, पावर टेशन की फिर सामने तुम अपनी आंखों से देख सकते और सुन भी सकते और वो जो सामने वाला उसकी जबानी उसकी दास्तान सुन सकते, ये सब जो है तुम्हारे सामने है जितना भी है, तो बाकी तो ये दुनिया अमल अमलियात की जादू टोने की ये दुनियाओं के अंदर तो डुप्लीकेट बहुत भर के बढ़ गया ले, चोरा बदमाशा जिनके पास तुम गए तो तुम्हारे पैसे खा लेते सब खा लेते लास्ट में और तुम्हारे परेशान करके छोड़ देते, क्योंकि वो सब शैतान के साथ हैं, इसलिए उनके पास जाना नहीं, उनके पास जाना शिर्क है मना है सख्त मना है, तुमको जाना चाहे तो अल्लाह के सामने जाओ मस्जिद के अंदर जाओ अल्लाह के सामने सजदे करो कुरान उठाओ पढ़ो, जुजदानों में और महराबों में सजा के रखने के वास्ते अल्लाह ने कलाम इलाही नहीं दिया तुम्हारे, पढ़ो पढ़ के फैज हासिल करो उसका, और दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे बेनतियां पढ़ेंगे लिमिट के पार पढ़ेंगे तो तुम्हें ताकतें पैदा होंगी रूहानी, तुम बोलिए दो दिन पढ़ के ताकत आ जाना नहीं आती, दो दिन वर्जिश मार के कोई बिल्डर और पहलवान नहीं बन जाता जिम मार कर, तो इसलिए कोई मुद्दत नहीं थी हर चीज की, बात मगर इबादत की गर्ज से पढ़ना अमलियात की गर्ज से नहीं, तो मगर कोई हासिल करने की गर्ज से अगर पढ़ रहे तो तुमको पागल कर देते ही रही कि जिन्ना तो बादशाह हुआ, क्योंकि तुमको इख्तियार नहीं दिया ले यार तो पढ़ के अमल अमलियात करके उन पर हुकूमत करनी है, सामने तुम्हारे आके बोलते हमारे पढ़ के अमल करके हमारे पे हुकूमत करना चाहता फिर तो पागल कर देते,
तुम्हारे में वो बात नहीं है, तुम्हारे खून में, तुम्हारे रगों में वो खून नहीं दौड़ रहा कि जो खून आले नबी औलाद अली रजी अल्लाह तआला ना का है, तो वो उनके जरिए से पूरी दुनिया को पैस देता, आज भी पैस पहुंचाता। और जिन्नात और शैतान और अभी चुड़ैलों की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह वालों के सामने और नबी के घराने के आल के सामने कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उनका खून वो है, उनके शरीर में वही खून दौड़ रहा ना, इम हसनी हुसैनी खून, तो हसनी हुसैनी खून के सामने कौन सा शैतान और कौन सा जिन्नात आके मनमानी कर सकेगा। पूरे बाप दादाओं तक सकली एक रहती है, और पूरा तुम्हारे बाप दादा खबर के अंदर है तो अगर तफसीलों में पढ़ो, तुम्हारे पे जुल्म होता तो तुम्हारे बाप दादा की रूह अंदर बेचैन हो जाती है, हमारे बच्चे पे कहता जुल्म हो रहा। तो सादात के बाप दादा कौन है सैयदों के, ये भी तो देखो, फिर उनका घराना कौन है, फिर नबी के घराने आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला में की औलाद है, तो उनको कैसा नहीं बेचैनी होंगी फिर हमारे आल को रहमत, वो तो छोड़ दो जहमत देने ही नहीं देता अल्लाह, पूरी दुनिया पे आज भी उनका ही हाथ से पूरी दुनिया को फैज पहुंचा दिया। देख लो बंदा नमाज की दरगाह, देख लो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजारत और भी वली अल्लाह के मजारत देख लो, कि आज भी उनके बादशाह के दर पे लोग जाना पसंद नहीं करते, मगर वो बुजुर्गान दीनों के दरों पे जाना पसंद करते, बादशाह के दर पे जाके लोग दिल से अदब नहीं करते, सर नहीं झुकाते अदब की खातिर, वहां जाकर अदब की खातिर झुकाते, अदब और एहतराम की खातिर, बाकी अल्लाह के अलावा तो किसी के सामने सर नहीं झुकता, मगर वो सजदे का सर रखा, और ये ताजीम का सर, दोनों में फर्क है। तुम इतने बातें नहीं जान सकते, शरीयत तरीकत मारिफत ये बातें तुम्हारे सिर के ऊपर से चले जाती है, तुमको उतना इल्म और उतनी बारीकी से गहराई तुम्हारे ऊपर नहीं खोला जाता, राज तुमको पता नहीं, तुमको सिर्फ शरीयत दिया लिए, शरीयत पढ़ो और शरीयत के हिसाब से अमल करो, दुनिया में भटको मत और भटकने दो मत, बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाई, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा क्या बयान करूंगा। आखिर तो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से आए, अभी मैं ये हाजिर है क्या बोलते, अभी हाजिर करने के 5 लाख 10 लाख 15 लाख कितने लिया मैंने तुम्हारे से, जोर से बोलो, कुछ भी नहीं, एक रुपए नहीं, हाँ एक रुपए नहीं लिया, 5 लाख तो दिए होंगे, नहीं एक रुपए, 3 लाख तो दिए होंगे, जोर से बोलो, एक रुपए नहीं दिए। चलो खैर, इबादत की राह मजबूती से थामो,